मॉर्निंग में कुछ अलग होने वाला है और कुछ बहुत ही अच्छे क्या बिरयानी बाय बाय। वेरी गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम टू हर्षिज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं सभी अच्छे होंगे। मैं ही बहुत अच्छी हूं। आज की मॉर्निंग में कुछ अलग होने वाला है और कुछ बहुत ही अच्छे क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूं बहुत ही गजब वाली चीज़। सो आप लोग भी देखते रहो और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आगे देखते रहो, स्किप मत करना। फिलहाल मैं पूजा करके आती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं आज बना के आ रही हूँ ब्रेकफास्ट में। सो सबको पसंद आने वाला है, लिटरली मैं बता रही हूँ, आप लोगों को सबको पसंद आने वाला है। स्किप मत करना, पूरा व्लॉग देखना। फैमिली फिलहाल पूजा पाठ हो चुकी है और मैंने आप सभी को आप लोगों को दिखाया जो मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे वो सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया अभी। तो इसको बोलते हैं सोया बिरयानी। तो मैं अभी ये बना रही हूँ और आप लोगों को दिखाते हैं कैसे बनाना है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा मैं आप लोगों को बताऊंगी और यम्मी होगी, बहुत टेस्टी होगी। तो बनाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने न्यूट्रेले भिगो दिए थे, काफ़ी छोटे छोटे वाले जो होते हैं वो वाले न्यूट्रेले मैंने जो सोया होता है उसको भिगो दिया था मैंने गर्म पानी में। अगर आप इंस्टेंटली बना रहे हो तो गर्म पानी में भिगो दो, 10 मिनट तक ये वैसे ही हो जाते हैं। अगर वैसे पहले भिगोना है तो आप पहले ठंडे पानी में भिगो सकते हो। तो मेरे को मैंने 15-20 मिनट पहले भिगो दिए थे तो ये अच्छी खासी हो चुके हैं, स्पंज हो चुके हैं बिल्कुल। तो अभी भी इसको थोड़ा सा ऐसे पानी में रहने देते हैं। और मैंने काटा है एक प्याज और ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मैंने इसमें लाया, और ये है पुदीना, और इसमें मैंने काटे हैं दो टमाटर हैं जो मोटे मोटे काटे हैं, जो हरी मिर्च वो काटेंगे नहीं ऐसे डालेंगे, और आलू जो कि मैंने एक आलू लिया है और एक आपका तेज पत्ता है, इसमें 3 इलायची हैं और 4 आपकी वो काली मिर्च के हैं और 3-4 अपने लौंग ले रखी है। इसको बनाते हैं और अभी हमें और क्या क्या ऐड करना है वो आपको दिखाते हैं। सो फैमिली सबसे पहले हमने एक बर्तन लेना है मैंने जिसमें सोया भिगोया था उसको हटा दिया मैंने, सोया सारे भी भीग चुके हैं अच्छे से। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच दही और थोड़ा सा डालेंगे इतना। तो ये दही डालना है सबसे पहले और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, आप अपने अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हो जितना आपको नमक खाते होगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और आपकी कश्मीरी लाल मिर्च, तो वो तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कम भी पड़े तो और डाल लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी अपने अकॉर्डिंग डालनी है। और इसमें हम डाल देंगे ये हरी मिर्च ये मैंने काटी नहीं थी, और आपका थोड़ा सा जीरा डाल देंगे इसी में ऊपर से। सो फैमिली इसमें हमने मिर्च वगैरह सब कुछ डाल दिया है और अब मैं डाल रही हूँ पुदीना। तो पुदीने वाले पत्ते पत्ते डालना, डंडी में डालना और इसको ऐसे करके मैं डाल दिया है। अब इसको मिक्सअप कर लेते हैं और इसके ऊपर से अब हम डालेंगे सोया, जो हमारे भिगो हुए सोया हैं उनको डालेंगे, तो इनको भी डाल लेते हैं और फिर मिक्सअप कर। सो अब इसमें हम सबसे पहले न्यूट्रेला डाल लेते हैं और न्यूट्रेला हमारा अच्छे से हो चुका है, तो इसको हम इसका पानी निकाल देंगे ऐसे करके दोनों हाथ के बीच में रख के पानी निकाल के तब डालें ताकि इसमें पानी सा ना हो। और इसको पूरा ऐसे कर लेते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट बना रखा है वो भी इसमें हम डाल देंगे, थोड़ा सा जो हमने टमाटर कर रखे हैं वो भी इसमें डाल देंगे हम, तब कटे हुए टमाटर, और दूसरा हमारे कटे हुए जो आलू है वो भी हम इसी में डाल देंगे। तो ये अच्छे से मिक्सअप हो चुका है, अब हम इसको करते हैं कुकर में रखते हैं, प्रेशर कुकर में रखते हैं। तो आपको हमने स्टार्ट करते हैं, मैंने प्रेशर कुकर रख दिया है और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग डाल देना, मुश्किल ज्यादा से ज्यादा 2 चम्मच हमने डालना है, 2 चम्मच घी। खड़ा मसाला डालेंगे जो कि 3 हम इलायची डाल रहे हैं और 4 मैंने लौंग डाली है, 4 मैंने काली मिर्च डाली है और 1 आपका तेज पत्ता। ऐसे लंबे में काटेगा, लंबे में काट के प्याज डालोगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और अच्छा भी लगता है इसमें, और ऐसे डाल देना और जब तक थोड़ा सा लाल लाल सा होने लग जाएगा प्याज, उसके बाद हम इसमें और चीज़ ऐड करेंगे। फिलहाल इसको आप देखो अभी अच्छे से मिक्सअप हो रहा है
फिर ये मिक्सअप रेड रेड से हो जाएगा। प्याज तब आपको दिखाते हैं, और हम थोड़ा सा बचा रखा लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी हम इसमें डाल देंगे। प्याज हो रहा है, प्याज के साथ साथ ये भी डाल देंगे। सो आप देखो प्याज हमारा लाइट ब्राउन सा हो चुका है, मीन्स प्याज हमारा हो चुका है। और इसमें हम डालेंगे ये वाला जो मसाला हमने बना रखा है पूरा, ये अब इसमें डाल देंगे प्याज के ऊपर। वैसे ही प्याज हमारा हो जाएगा, उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे। सो प्याज हमारा हो चुका है, सो अब हम इसको पूरा इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ देखो पूरा इसमें मिक्सअप अब डाल चुका है, और इसको आप पूरा मिक्सअप कर लेते हैं। और इसमें इसको फ्राई करेंगे घी में और ऑयल में। और सेम ऐसे ही आप लोग भी बनाना, काफ़ी अच्छा बनेगा ये। अभी आप लोग खा के दिखाएंगे कैसा होता है। सो फैमिली, मैंने इस वाली कटोरी से, आप देख लो इस कटोरी से मैंने एक कटोरी चावल लिया है, और इसको थोड़ा सा धो लेते हैं। अब भिगो के नहीं रखना, क्योंकि बासमती अगर भिगो के रखोगे तो चावल टूट जाता है। धो के सीधे इसमें हम कुकर में डालेंगे इसको। सो आप देखो मैंने 5-10 मिनट तक इसको ऐसे ही रख दिया था हल्की आंच में पकने के लिए। तो ये अच्छे से हो चुका है मिक्सअप, और इसमें थोड़ा सा ऊपर से भी आप ये इसको डालोगे, इसके ऊपर थोड़ा सा किचन किंग डाल लेना, अच्छा स्वीट टेस्ट आएगा। सो अब ये एक लेयर बन चुकी है इसकी, देखो एक लेयर। इसके ऊपर हम चावल डालेंगे, जो कि मैंने चावल धो चुका है, तो डालते हैं आपको लोगों को दिखाते हैं। तो अभी इसमें चावल ऐड करते हैं। चावल ऐसे ऊपर से डालना है, और इसको चावल को हम मिक्स नहीं करेंगे। अब इसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। लगा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा डालना है। धनिया पाउडर हल्का हल्का, और थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी, थोड़ी सी डालते हैं मिर्च, और इसी के ऊपर से हम डालेंगे इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल देंगे थोड़ी थोड़ी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और इसमें डालेंगे हम पुदीने के पत्ते ऐसे करके, और एट लास्ट सबसे ऊपर से हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला पूरा ही पैकेट। मैंने तो पूरा ही डाल दिया, आप लोग भी डाल देना। सो ऐसे करके अब इसमें हम ऐड, और एट लास्ट देखो आप सब कुछ इसमें इसके ऊपर से डाल दिया है। और थोड़ा सा हम इसमें दूध भी डाल देंगे, ताकि इसमें अच्छा सा मॉइस्चर बना रहे। जितना मैं डाल रहा हूँ उतना ही डालना, ज़्यादा मत डालना, नहीं तो गीला हो जाएगा चावल। सो अब एट लास्ट हम इसमें घी डालेंगे एक चम्मच ऊपर से इसके, ऐसे करके आपने घी डाल देना है इसमें, एक ही चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। और अब इसमें हम पानी डाल देंगे, और पानी मैंने, जब मैंने चावल एक कटोरी लिया है तो मैं पानी इसमें डालूंगी एक और आधा कटोरी पानी डाल रही हूँ। वैसे दो कटोरी भी डाल सकते थे, लेकिन मैं एक और आधा कटोरी पानी डाल रही हूँ। सो पानी मैंने गर्म कर लिया था, क्योंकि उससे ज़्यादा जल्दी सीटी आ जाती है, तो उसमें पानी डाल देते हैं। मैंने गर्म ही उतना किया था जितना मेरे को ज़रूरत है। और ऐसे करके इसमें हमने क्या करना है, हल्की चम्मच जो हमारी चम्मच होती है उससे ऐसे कर देना कहीं कहीं पे, ताकि इजीली जो है नमक और सारे मसाले नीचे तक ही फैल जाए उसमें आराम से। मिक्स नहीं करना है, पहले लास्ट में बता रही हूँ, मिक्स नहीं करना है, ऐसी करके रख देना है। और उसके बाद इसमें हम इसको मैं ढक्कन लगा देते हैं, और एक सीटी आने के बाद इसको हल्की आंच में करने में 10 मिनट तक हल्की आंच पर रख देना। जैसे इसमें एक सीटी आ जाएगी, उसके बाद 10 मिनट तक इसको हल्की आंच में रख देना। सो फैमिली, मैंने रख चुका है कुकर में, तो अभी इसमें एक सीटी आ जाएगी, उसके बाद इसको मैं 10 मिनट तक या 5 मिनट तक हल्की आंच में रख देंगे। और उसके बाद आप लोग को बताएंगे, जैसे मैंने बनाया है सेम उसी मेथड से आप लोग बनाना, उसको मिक्सअप मत कर। देखो सीटी आने लग गई है, क्योंकि मैंने गर्म पानी डाला, गर्म पानी से जल्दी सीटी आती है। ये मेरी मम्मी का नुस्खा है, क्या बोलते हैं, नुस्खा है ये, कि गर्म पानी डाल दो तुरंत एकदम सीटी आती है, उसके बाद कम आंच में कर दो। सो अभी देखते हैं बन जाता है, फिर आप लोग को दिखाते हैं। मुझे यार अपने में प्राउड है कि मैं, ये अच्छा बनेगा, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा बनेगा। तो देखते हैं जैसा भी बनेगा आप लोग को दिखाया जाएगा। सो अब देखते हैं कैसा बना है। सो यहाँ देखो कैसा बना है, ये प्रेशर कुकर खोला, ये मैंने अब इसको मिक्सअप करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो अब इसमें डालते हैं, जब परसों ये बात हुई कि मैं घड़ी बना होता है, जब उससे करते था तब मैं घड़ी आता।
फैमिली आज ब्रेकफास्ट में हमारी सोया बिरयानी, शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी और दही, तो हम लोग सब खा रहे हैं। आप लोगों को भी खाना है तो आ जाओ। सो फैमिली इसको देखो, मेरी मम्मी आएगी ना तो मारेगी ना मम्मी तेरे को, तब तो सोचेगा। देख रहे तू बिस्तर में बैठ रखा ना अभी, यहाँ देखो इसे, मैं बिस्तर में आया तो अपना बिस्तर में आ गया। चिमसू तुम्हें आ, देख तुम्हें देख ले। वो फैमिली फ़िलहाल अभी मैं ऐसी रेस्ट कर रही थी और अभी किसी का ये बर्थडे गिफ्ट है तो ये आ चुका है, मतलब ये मैं नीचे गई थी तो ये आया है कुछ। अब इसको देख के अंदाज़ा कर सकते हो कि इसमें क्या है। फ़िलहाल अभी है काफ़ी दिन बर्थडे को, मेरा नहीं है, किसी का है तो पता चल जाएगा आप लोग क्या है इसमें। तो फैमिली सब मम्मी लोग उठ चुके हैं, मेरे लोग सो रखे थे, मैं तो सोई नहीं थी, आप लोग को पता ही है मैं तो सोती हूँ भी नहीं। तो इन लोगों के लिए बन रही ग्रीन टी, अपने लिए बनवा रही ग्रीन टी, आपको दिखाते हैं ग्रीन टी। मैं तो बना रही दूध वाली चाय, थोड़ा सा भैया मैं तो पीऊँगी नहीं क्योंकि मैं एक्सरसाइज करने जाऊँगी अभी, तो इनकी चाय दिखाती हूँ। ये देखो इनकी, ये दोनों डाइटिंग में है ना, ग्रीन टी विद चेन्नई, यहाँ देख यहाँ देखो चुम देख भाग जाता। और यहाँ बन रही है हमारी चाय, सो इसमें डालते हैं चाय पानी जो है गर्म, डाल दिया हमने चाय पत्ती, काली मिर्च, तो ये तो उबाल चुका है, इसमें डालते हैं दूध, इसमें उबाल आएगा। सो ये है शुगर फ्री चाय, क्योंकि भैया चीनी डाल के चीनी वाली चाय पीता नहीं है तो मेनली उसी के लिए बनाई है। और मैं तो अगर पीऊँगी तो शायद एक्सरसाइज करने के बाद पीऊँगी शाम को, फिलहाल तो मैं पीऊँगी ब्लैक कॉफ़ी, तो हम तैयारी करते हैं ब्लैक कॉफ़ी की। भैया आ चुके, अभी बता कैसा हो रहा, देखो ये खा रहा है पुलाव बिरयानी, पुलाव बिरयानी कैसा हो रहा, मस्त हो रहा, इसको देखो कैसा खड़ा है, मुझे भी दे। तो फैमिली फाइनली मेरी ग्रीन टी कह रही कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी बन चुकी है, इसको पीते हैं। मैं जैसे पूरा 2 रुपये का पैकेट होता है ना उसको वाला आधा डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं पीना चाहिए ना, दाने निकल गए थे मेरे बीच में, सो इसको पीते हैं। और उसके बाद 1 घंटा एक्सरसाइज होगी, फिर उसके बाद हम जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं, पहले फिलहाल एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो फाइनली फैमिली ब्लैक कॉफ़ी पी चुकी है और अब हो रहा है टाइम एक्सरसाइज करने का। सो 5 बज चुके हैं, 5 से 6 एक्सरसाइज करते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अगर मैं, जब मैं पतली हो जाऊंगी ना उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं डाइटिंग में क्या ले रही थी और क्या क्या मैं एक्सरसाइज करती थी, उस टाइम बताऊँगी, बट अभी नहीं क्योंकि अभी तो लोग बोलेंगे खुद तो पतली हुई नहीं, हमें चलिए बताने के लिए। तो पहले मैं कर लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो फैमिली फाइनली एक्सरसाइज हो चुकी है और 6 बज चुके हैं अभी, और 6:05 10 मिनट तो हो चुके हैं, तो अभी एक्सरसाइज पूरी 1 घंटे की कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ब्लॉग एडिट करते हैं और आज का ब्लॉग इतना ही है। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, रेसिपी पर प्यार बनाए रखना। सो इसको एडिट करते हैं, ठीक 8 बजे आप लोग को ब्लॉग मिल जाएगा। बाय बाय।